मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मैंने तुम लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरी जान क्यों बचाई? आज से ये पार्क तुम लोगों का है, जी भर के खेलो। और इस पार्क के साथ साथ मेरी सारी दौलत भी अब अच्छे काम के लिए ही लगेगी। बहुत देर हो गई है, हमें रात होने से पहले जंगल वाला एरिया पार करना है। हाँ तो बच्चों, सब आ गए? हाँ सर। सारे बच्चे और एक ट्रक भी बस में चढ़ गया है। सर, अगर आप इस बस को नहीं भी मंगवाते तो भी चल जाता, फिर हम उस ट्रक पे बैठकर घर पहुंच जाते। तेरी तो शांति शांति। प्रेजेंट सर। अरे बेटा, मेरा मतलब है साइलेंस। तो सब बैठ गए, बैठ जाओ। चलो ड्राइवर, लेट्स गो। अब ये बस रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी, और आते वक्त जैसे कि मैंने कहा था, कोई भी अपना हाथ का नाक मुंह खिड़की के बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि हम जंगल क्षेत्र में हैं। और हाँ, कोई दूर दूर से आवाज भी नहीं करेगा। क्यों सर? क्योंकि इससे जंगल में जानवर डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो हमारी तरफ आ जाएंगे। तो अच्छा है ना सर, इसी बहाने हम उन्हें देख भी लेंगे। इसी बहाने तुम चीता और शेर भी देख लेना। नहीं सर, मैं चुप बैठूंगा। ए, कोई आवाज नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं करेगा। बैठ जाओ। शेर आया, शेर आया, शेर आया। शेर किधर है? ये रहा। ए मोंटू, मोंटू ये क्या मजाक है? मैं कितना डर गया था पता है? सर ये टॉय शेर है, मेरी सीट के नीचे था। बालवीर, बालवीर, अरे मत बता रही है बालवीर का नाम, वरना आ जाएगा वो यहाँ तो हो जाएगा हमारे जीवन की शाम। अंधेरा तो अब मैं करूंगी बालवीर की जिंदगी में। अरे रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए महाभस्म परी। महाभस्म परी की जय हो, हे महान महाभस्म परी। अरे हूँ मैं जानता कि बालवीर का सामना करते करते निकली बड़ी कमजोरी है परी भयंकर। तबा तबा, सही कहा, महाभस्म परी ना तो इस तरह की गलती बर्दाश्त करती है और ना माफ करती है। भयंकर को एक और अवसर चाहिए महाभस्म परी। भयंकर अभी हारी नहीं, इस बार वार नहीं होगा, इस बार होगी मेरी ललकार। शाबाश, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ हाँ है, कह रही सही परी भयंकर। वैसे भी होगा क्या आपको हासिल परी भयंकर का निकाल के दम? खामखा हो जाएगी एक बुराई की साथी एक और कम। पता नहीं कब कहां किसी मोड़ पे आपको पड़ जाए इनकी जरूरत। महाभस्म परी, बालवीर मेरा भी उतना ही बड़ा दुश्मन है।
जितना कि तुम्हारा। बालवीर को समाप्त करना मेरा सबसे बड़ा मकसद है। हाँ है, जानती है महाभस्म परी, इसलिए बालवीर पे अगला वार कब करना है, कैसे करना है, इसका फैसला करेगी महाभस्म परी। सही कहा तुमने, है ठीक परी भयंकर? ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा महाभस्म परी। और एक बात याद रखना, बुराई को जिताने के लिए और सच्चाई को हराने के लिए भयंकर हमेशा तुम्हारे साथ है। बड़ी बुरी हूं मैं। मेरे दिमाग में चीटी चढ़ी पहाड़ पे, चीटी चढ़ी पहाड़ पे और भी नीचे उतर गई। बहुत खराब शेर था। अरे बोल, अगर आप उस चीटी की जगह हाथी को पहाड़ पे चढ़ा देना तो आपका थोड़ा पर्सनल टच भी आ जाता। पंचर हो गया सर। अरे टायर पंचर हो गया है तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से ठीक करो। ये बहुत ही खतरनाक जंगल है, यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकते, शेर चीते भी आ सकते हैं। ठीक कर जल्दी। अच्छा फटाफट चलो चलो। खुश रहो, खुश रहो परी, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। रानी परी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बालवीर, हम आपको अपने साथ परीलोक के शस्त्रागार लेके जाना चाहते हैं। शस्त्रागार? लेकिन उसे तो भयंकर परी ने नष्ट कर दिया था। हाँ बालवीर, इसलिए तो रानी परी ने नटखट परी द्वारा परीलोक का एक नया शस्त्रागार बनवाया है। नया शस्त्रागार? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बालवीर, और इस शस्त्रागार की विशेषता ये है बालवीर कि इसके अंदर हमारा या किसी और का कोई भी जादू नहीं चल पाएगा, इसलिए अब कोई भी बुरी शक्ति हमारे शस्त्रागार को नष्ट नहीं कर सकती। फिर तो मैं जल्द से जल्द वो नया शस्त्रागार देखना चाहता हूँ। ई
कहा सही तुम सबने परियों, हो नहीं सकता तुम्हारा शस्त्रागार नष्ट, लेकिन हो तो सकती हो ना तुम सब नष्ट तुम्हारे शस्त्रागार में। वाह महाभस्म परी, वाह है क्या कमाल की योजना बनाई मैंने। है ये मेरी योजना कि जाएंगी जैसे ही परिया शस्त्रागार के अंदर, क्यों ना आप अपने जादू से कर लीजिएगा शस्त्रागार का दरवाजा बंद हमेशा हमेशा के लिए। बड़ी बुरी हूँ मैं। अरे और कितना टाइम लगेगा? बस थोड़ा टाइम और सर। अरे जल्दी करो थोड़ा टाइम और, एक तो डर लग रहा है यहाँ पे। अरे देखो खरगोश। खरगोश? खरगोश कहाँ है? खरगोश कहाँ देखा? वाह खरगोश क्यूट है। खरगोश वो हमें देख रहा है। अरे वो मांडू बॉस को देख रहा है। हाँ। हाँ, और सोच रहा है कि साथी को तो जंगल में होना चाहिए था। फिर वो इस बस के अंदर क्या कर रहा है? चुप। वो ये सोच रहा है कि उसने तो सुना था कि गधे भी स्कूल जाकर इंसान बन जाता है, पर ये इंसान है फिर भी गधे जैसी बातें कर रहा है। वाह बॉस क्या जवाब दिया, आज मालूम पड़ा कि आप में दिमाग भी है। मुझे भी मार दिया। अरे वो देखो एक और खरगोश आ गया। पर ये दोनों आपस में बात क्या कर रहे होंगे? मुझे तो लगता है ये बात कर रहे होंगे काश हम भी स्कूल जाते। अरे पढ़ते लिखते खेलते कूदते। अरे ये सोच रहे कि हम खरगोश ही अच्छे, एटलीस्ट हमें स्कूल का होमवर्क तो नहीं करना पड़ता है। नहीं वो ये सोच रहे हैं कि हम सब में से वो क्या बनेंगे, क्योंकि हम तो इतने अलग अलग दिख रहे हैं तो कंफ्यूज हो गए कि वो क्या बनेंगे। मानव चल बाहर चल के खरगोश के साथ खेलते। अरे नहीं सर ने कहा है ना कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा क्योंकि बाहर टाइगर है, और अगर हम बाहर गए पर वहाँ पे टाइगर हुआ तो? चूहा है क्या? खरगोश टाइगर से नहीं डरते और तू डरता है। अरे मैं चूहा नहीं तो शेर भी तो नहीं हूँ ना। माना तू डरपोक बनेगा ना तो पीट दूंगी। अरे मैं डरने की बात नहीं है, सर ने कहा था ना कि कोई बाहर नहीं जाएगा। सर ने ये भी कहा था कि ये बस कहीं नहीं रुकेगी। रुकी ना। अरे वो तो पंचर हुआ ना। अरे मैं छोड़ना, पर वैसे भी सर हमें नहीं जाने देंगे, देख वो यहीं भी बैठे हैं। मोंटू बॉस आपको गर्मी लग रही है? हाँ। तो बॉस बैठे क्या, उठो और पंखा चालू करो और अपनी और हमारी भी गर्मी मिटाओ। चुप। छोड़ो बॉस, आपको भूख लग रही है? नहीं। अरे नहीं लग रही है पर हमें लग रही है। हाँ। जाओ और हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ, जाओ अभी खिलाता हूँ। डगड़ना बंद करो और अलग अलग जगह पे बैठ जाओ। जाओ सर हमें हमने क्या किया है? मानव देख सर वहाँ पे बिजी है और कोई हमें देख भी नहीं रहा, चल निकलते। चल 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 कहाँ गया? अरे उधर। अच्छा चल 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 जा रहा है उधर। बालवीर ये देख, ये रहा नया शस्त्र का। ये तो बिल्कुल पुराने शस्त्रकार जैसा ही है नटखट परी। हाँ बालवीर, लेकिन इस शस्त्रकार की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि शक्तिशाली से शक्तिशाली बालवीर इसे तोड़ नहीं पाएगा, और
इस शस्त्रागार के अंदर किसी का जादू नहीं चलेगा, यानी कि अब हमारा ये शस्त्रागार बिल्कुल सुरक्षित है। वरना हमें तो डर था कि कहीं इस शस्त्रागार को फिर से कोई नष्ट ना कर दे। डरी परी, अब तो आपका डर दूर हुआ ना? हाँ नाराज परी, बिल्कुल। नहीं नहीं परियो, डरो डरो, क्योंकि रहेगा सिर्फ शस्त्रागार सुरक्षित, लेकिन तुम नहीं रहोगी सुरक्षित, क्योंकि तुम्हारी ये शस्त्रागार के अंदर किसी का जादू न चलने वाली युक्ति ही बनेगी तुम सबके विनाश का कारण। बड़ी बुरी हो। हमें तो यही थे। मैं सुन ना, तुम उन खरगोश के पीछे काफी अंदर आ चुके हैं, चलो वापस चलते, वो यहाँ पे नहीं है। चलो। अरे पर वो यही है, रुक ना मानो, प्लीज ना मानो, वो देख वही है। चल 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 चल। अरे लेकिन मैं सुन ना मानो, चुप ना बस। ओह कितने क्यूट है ये। अरे वाओ वाओ वाओ, ये दोनों कितने प्यारे हैं ना। लेकिन तेरे से ज्यादा मेरा वाला प्यारा है। कुछ भी, दोनों सेम ही है। नहीं मैं, दोनों सेम नहीं है, देख दोनों अलग अलग है। मेरा वाला ज्यादा वाइट है। हाँ और मेरा वाला थोड़ा पिंक है। ये कितना सॉफ्ट है ना। मानो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई लाइव टेडी बेयर पकड़ा है। अरे 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 रुक मानो, चल अरे अरे मेहर, ये कितने आराम से घूमते हैं ना, इन्हें तो कोई भी चीज की टेंशन नहीं है। ना ही पढ़ने की, ना ही खेलने की, ना दूध पीने की, ना जल्दी सोने की और ना फर्स्ट आने की। वैसे माना, मैं सोच रही थी कि कुछ देने के लिए बालवीर से कहकर हम दोनों खरगोश बन जाते हैं। नहीं नहीं, तू ही बन खरगोश, क्योंकि मैं तो अभी अभी बंदर बना था, अब मुझको और कुछ नहीं बनना। हाँ। कुछ भी मानो। अरे 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 अरे, अरे वो भाग रहा है, चल 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 चल, रुक रुक, कहाँ जा रहा है? खैर तो सही रहते रोहित केवल, सचमुच यहाँ बड़ी गर्मी है। एक काम करता हूँ, ये इमरजेंसी डोर खोल देता हूँ। ठंडी हवा। ए बच्चे, आप ए डाकू मंगल सिंह, चल साइड में बैठ। टाइगर? नहीं नहीं, यहाँ टाइगर कैसे आ सकता है? टाइगर टाइगर है। मोंटो, फिर से मजाक मत करो। अरे सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सचमुच में टाइगर है। लेकिन बॉस, हमें वहाँ कुछ शेर वेर दिखाई नहीं दे रहे, हमें तो उधर एक हाथी दिखाई दे रहा है। हाथी? बेवकूफ चुप, यह सचमुच में एक शेर है। मोंटो, अब हम तेरे मजाक में नहीं फंसने वाले। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हें झूठ लग रहा है तुम यहाँ आकर देख लो। और हमें वैसे भी शेर से नहीं हाथी से ज्यादा डर लगता है। अरे सर इधर है शेर। शेर? शेर?